नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरद चंद्र जी द्वारा रचित कहानी अनुपमा का प्रेम। 11 वर्ष की आयु से ही अनुपमा उपन्यास पढ़ पढ़कर मस्तिष्क को एकदम बिगाड़ बैठी थी। वह समझती थी मनुष्य के हृदय में जितना प्रेम, जितनी माधुरी, जितनी शोभा, जितना सौंदर्य और जितनी तृष्णा है, सब छानबीन कर साफ कर उसने अपने मस्तिष्क के भीतर जमा कर रखी है। मनुष्य स्वभाव, मनुष्य चरित्र उसका नख दर्पण हो गया है। संसार में उसके लिए सीखने योग्य वस्तु और कोई नहीं है। सब कुछ जान चुकी है और सब कुछ सीख चुकी है। वह सतीत्व की ज्योति को वह जिस प्रकार देख सकती है, प्रणय की महिमा को वह जिस प्रकार समझ सकती है, संसार में और कोई भी उस जैसा समझदार नहीं है। अनुपमा इस बात पर किसी तरह भी विश्वास नहीं कर पाती। अनु ने सोचा वह एक माधवी लता है जिसमें मंजरियां आ रही हैं। इस अवस्था में किसी शाखा की सहायता लिए बिना उसकी मंजरियां किसी भी तरह प्रफुल्लित होकर विकसित नहीं हो सकती। इसलिए ढूंढ खोज कर एक नवीन व्यक्ति को सहयोगी की तरह उसने मनोनीत कर लिया एवं 2-4 दिन में ही उसे मन प्राण जीवन यौवन अपना सब कुछ दे डाला। मन ही मन देने अथवा लेने का सबको समान अधिकार है, परंतु ग्रहण करने से पूर्व सहयोगी को भी तो बताने की आवश्यकता होती है। यही आकर माधवी लता कुछ विपत्ति में पड़ गई। नवीन निरोधकांत को वह किस तरह जताए कि वह उसकी माधवी लता है, विकसित होने के लिए खड़ी हुई है। उसे आश्रय देने पर इसी समय मंजरियों के पुष्प के साथ वह पृथ्वी पर लौटती पोटती प्राण त्याग देगी। परंतु सहयोगी उसे जान न सका और न जानने पर भी अनुमान का प्रेम उत्तरातर वृद्धि ही पाने लगा। अमृत में विष, सुख में दुख, प्रणय में विच्छेद चीर प्रसिद्ध है। 2-4 दिन में ही अनुपमा विरह व्यथा से जर्जर शरीर होकर मन ही मन बोली, स्वामी तो मुझे ग्रहण करो ना करो, बदले में प्यार दो ना दो, मैं तुम्हारी चीर दासी हूँ। प्राण चले जाए यह स्वीकार है, परंतु तुम्हें किसी भी प्रकार नहीं छोड़ूंगी। इस जन्म में ना पा सकूं तो अगले जन्म में अवश्य ही पा जाऊंगी। तब देखोगे सती साध्वी की शुद्ध भुजाओं में कितना बल है। अनुपमा बड़े आदमी की लड़की है। घर से संलग्न बगीचा भी है, मनोरम सरोवर भी है, वहां चांद भी उठता है और कमल भी खिलते हैं, कोयल भी गाती है और भैरे भी गुंजराते हैं। यहाँ पर वह घूमती फिरती विरह व्यथा का अनुभव करने लगी। सिर के बाल खोलकर अलंकार उतार फेंके, शरीर में धूली मलकर प्रेम योगिनी बन कभी सरोवर के जल में अपना मुंह देखने लगी, कभी आंखों से पानी बहाती हुई गुलाब के फूल को चूमने लगी, कभी आंचल बिछाकर वृक्ष के नीचे सोती हुई हाय की हुताशन और दीर्घ निश्वास छोड़ने लगी। भोजन में रुचि रही नहीं, शयन की इच्छा होती नहीं, साज सज्जा से बड़ा वैराग्य हो गया, कहानी किस्सों की भांति वृत्ति हो गई। अनुपमा दिन प्रतिदिन सूखने लगी। देख सुनकर अनु की माता को मन ही मन चिंता होने लगी कि एक ही तो लड़की है और उसे भी यह क्या हो गया। पर वह जो कहती उसे कोई भी समझ नहीं पाता, होठों की बात होठों पे रह जाती। अनु की माता फिर एक दिन जगबंधु बाबू से बोली, अजी एक बार क्या ध्यान से नहीं देखोगे, तुम्हारी एक ही लड़की है, यह जैसे बिना इलाज के मरी जा रही है। क्यों, क्या हो गया उसे? जगबंधु बाबू चकित होकर बोले, सो तो कुछ नहीं जानती, डॉक्टर आया था, देख सुनकर बोला बीमारी बीमारी कुछ नहीं है। तब ऐसी क्यों हुई जा रही है, ये हमको कैसे पता चलेगा? अरे वो लड़की ऐसे ही मर जाएगी, यह तो बड़ी कठिन बात है, ज्वर नहीं खांसी नहीं बिना बात के ही मर जाए तो मैं किस तरह से बचाए रहूंगा। गृहिणी सूखे मुंह से बड़ी बहू के पास लौटकर बोली, बहू मेरी अनु इस तरह से क्यों घूमती रहती है, यह मैं किस तरह से जानूं? माँ तुमसे कुछ नहीं कहती? कुछ नहीं। गृहिणी प्रायः रो पड़ी। तब क्या होगा, बिना खाए बिना सोए इस तरह सारे दिन बगीचे में कितने दिन घूमती फिरती रहेगी और कितने दिन बचेगी? तुम लोग उसे किसी तरह नहीं समझाओगे, नहीं तो बगीचे के तालाब में ही किसी दिन डूब मरेगी। बड़ी बहू कुछ देर सोच कर चिंतित होती बोली, देख सुनकर कहीं विवाह कर दो ना माँ, गृहस्थी का बोझ पड़ने पर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हाँ बात तो तुमने ठीक कही, मैं आज ही यह बात पति को बताऊंगी। पति यह बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए बोले, कली काल है, कर दो ब्याह, ब्याह करके ही देखें यदि ठीक हो जाए।
और दूसरे ही दिन घटक आया। अनुपमा बड़े आदमियों की लड़की है और उस पर सुंदरी भी। वर के लिए चिंता नहीं करनी पड़ी। एक सप्ताह के भीतर ही घटक महाराज ने वर निश्चित करके जगबंधु बाबू को समाचार दिया। पति ने यह बात पत्नी को बताई और पत्नी ने बड़ी बहू को, कर्मशः अनुपमा ने भी सुनी। दो एक दिन बाद एक दिन सब दोपहर के समय सब मिलकर अनुपमा के विवाह की बातें कर रहे थे। इसी समय खुले बाल अस्त व्यस्त वस्त्र किए एक सूखे गुलाब के फूल को हाथ में ले चित्र की भांति आ खड़ी हुई अनुपमा। अनु की माता कन्या को देखकर तनिक हंसती हुई बोली, ब्याह हो जाने पर यह सब कभी अन्यंत्र चला जाएगा बेटा, दो एक लड़का लड़की होने पर तो कोई बात ही नहीं है। अनुपमा चित्र लिखित की भांति सब बातें सुनने लगी। बहू ने फिर कहा, माँ ननद रानी के विवाह का दिन कब निश्चित हुआ है? दिन अभी निश्चित नहीं हुआ है। नंदोई जी क्या पढ़ रहे हैं? इस बार बीए परीक्षा देंगे, तब तो बहुत अच्छा वर है। इसके बाद थोड़ा हंसकर मजाक करती हुई बोली, परंतु देखने में खूब अच्छा ना हुआ तो हमारी ननद जी को ना पसंद आएगा। क्यों पसंद नहीं आएगा? मेरा जमाई तो देखने में बहुत अच्छा है। इस बार अनुपमा ने कुछ गर्दन घुमाई, थोड़ा सा हिलकर पांव के नख से मिट्टी खोदने की भांति लंगड़ाती लंगड़ाती बोली, विवाह तो मैं नहीं करूंगी। माँ ने अच्छी तरह न सुन पाने के कारण पूछा, क्या कहा, क्या कहा बेटा तुमने? बड़ी बहू ने अनुपमा की बात सुन ली थी, खूब जोर से हंसते हुए बोली, अजी माँ ननद जी कहती है वे कभी विवाह नहीं करेंगी। विवाह नहीं करेंगी? नहीं, ना करे। अनु की माता मुंह बनाकर कुछ हंसती हुई चली गई। गृहिणी के चले जाने पर बड़ी बहू बोली, ननद रानी जी तुम विवाह क्यों नहीं करोगी? अनुपमा पूर्वतः गंभीर हुए मुंह किए हुए खड़ी होकर बोली, किसी भी प्रकार नहीं करूंगी। क्यों? चाहे जिसे हाथ पकड़ा देने का नाम विवाह नहीं है, मन का मिलन ना होने पर विवाह करना भूल है। बड़ी बहू चकित होकर अनुपमा के मुंह की ओर देखते हुए बोली, हाथ पकड़ा देना, हाथ पकड़ा देना क्या बात होती है? पकड़ा नहीं देंगे तो क्या लड़कियां स्वयं देख सुनकर विवाह पसंद कर लेंगी क्या? अवश्य, तब तो तुम्हारे मत के अनुसार मेरा विवाह भी एक तरह की भूल हो गया। विवाह के पहले तो मैंने तुम्हारे भाई का नाम तक नहीं सुना था। सभी क्या तुम्हारी भांति होती हैं भाभी? बहू एक बार फिर हंसकर बोली, तब क्या तुम्हारे मन का कोई आदमी मिल गया है अनुपमा? बड़ी बहू ने हास्य विद्रूप से चिढ़कर अपने मुंह को चौगुना गंभीर होते हुए करके बोली, भाभी मजाक क्यों कर रही हो? या क्या मजाक का समय है? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया तो सुनो। अनुपमा को लगा उसके सामने ही उसके पति का वध किया जा रहा है। अचानक कत्लु खां के किले में वध के मंच के सामने खड़े हुए विमला और विमेंद्र सिंह का दृश्य उसके मन में जाग उठा। अनुपमा ने सोचा, वे लोग जैसा कर सकते हैं वैसा क्या मैं नहीं कर सकती? सती इस स्त्री संसार में किसका भय करती है? देखते ही देखते उसकी आंखें अनैसंगिक प्रभा से धक धक करके जल उठी। देखते देखते उसने आंचल को कमर में लपेटकर कमर बंद बांध लिया और यह दृश्य देखकर बहू तीन हाथ पीछे हट गई। क्षण भर में अनुपमा बगल वाले पलंग के पाए को जकड़कर आंखें ऊपर उठाकर चित्कार करती हुई कहने लगी, प्रभु प्रभु स्वामी प्राणनाथ, संसार के सामने आज मैं मुक्त कंठ से चित्कार करती हूँ कि तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। प्रभु तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी, और यह खाट के पाए नहीं है, ये तुम्हारे दोनों चरण हैं। मैंने धर्म को साक्षी करके तुम्हें पति रूप में वरण किया है। इस समय भी तुम्हारे चरणों को स्पर्श करती हुई कह रही हूँ, इस संसार में तुम्हें छोड़कर अन्य कोई भी पुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। किसमें शक्ति है कि प्राण रहते हुए हमें अलग कर सके? अरे माँ जगत जननी। सुनते ही बड़ी बहू चीत्कार करती हुई दौड़ती हुई बाहर आ पड़ी और देखते ही बोलती है, ननद रानी कैसा ढंग अपना रही है माँ? देखते देखते गृहिणी भी दौड़ आई। बहू रानी का चीत्कार बाहर तक जा पहुंचा था। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया, कहते हुए गृह स्वामी और उनके पुत्र चंद्र बाबू भी दौड़ आए। कर्ता गृहिणी पुत्र पुत्रवधु दास दासियां क्षण भर में घर में भीड़ इकट्ठी हो गई। अनुपमा मूर्छित होकर खाट के समीप पड़ी हुई थी। गृहिणी रो उठी, अरे मेरी अनु को क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, पानी लाओ, हवा करो इत्यादि। इस चित्कार से आधे पड़ोसी घर में जमा हो गए। बहुत देर बाद आंखें खोलकर अनुपमा धीरे धीरे बोली, मैं कहाँ हूँ? उसकी माँ उसके पास मुँह लाती हुई स्नेहपूर्वक बोली, कैसी हो बेटी, तो मेरी गोदी में लेटी हुई हो। अनुपमा दीर्घ निश्वास छोड़कर धीरे धीरे बोली, ओ तुम्हारी गोदी में, समझ रही थी कहीं अन्यंत्र स्वप्न नाट्य में उनके साथ बही जा रही हूँ। पीड़ा विगलित अश्रु उसके कपोलों पर बहने लगे। रो क्यों रही हो बेटी?
अनुपमा दीर्घ निश्वास छोड़कर चुप हो गई। बड़ी बहू चंद्र बाबू को एक और बुलाकर बोली, सबको जाने को कह दो, ननद रानी ठीक है क्रमशः। सब लोग चले गए। रात को बहू अनुपमा के पास बैठकर बोली, ननद रानी किसके साथ विवाह होने पर तुम सुखी होगी? अनुपमा आंखें बंद करके बोली, सुख दुख तो मुझे कुछ है ही नहीं, वही तो मेरे स्वामी हैं। सो तो मैं समझती हूँ, परंतु वे हैं कौन? सुरेश, मेरे सुरेश। सुरेश? सुरेश राखाल, मजुमदार के लड़के? हाँ वे ही। रात में ही गृहिणी ने यह बात सुनी और दूसरे दिन सवेरे ही मजुमदार के घर जा उपस्थित हुई। बहुत सी बातों के बाद सुरेश की माता से बोली, अपने लड़के के साथ मेरी लड़की का विवाह कर लो। सुरेश की माता हंसती हुई बोली, बुरा क्या है? बुरे भले की बात नहीं, विवाह करना ही होगा। तो सुरेश से एक बार पूछा हूँ, वह घर में ही है, उसकी सम्मति हो जाने पर पति को असहमति नहीं होगी। सुरेश उस समय घर में रहकर बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक क्षण उसके लिए एक वर्ष के समान था। उसकी माँ ने विवाह की बात कही मगर उसके कान में नहीं पड़ी। गृहिणी ने फिर कहा, सुनना सुरुओ, तुझे विवाह करना होगा। सुरेश मुंह उठाकर बोला, वह तो होगा ही, परंतु अभी क्यों, पढ़ने का समय, अच्छी बातें नहीं लगती ये सब। गृहिणी अप्रतिभ होकर बोली, नहीं नहीं, पढ़ने का समय क्यों, परीक्षा समाप्त हो जाने पर ही विवाह होगा। कहाँ? इसी गांव में, जगबंधु बाबू की लड़की के साथ। क्या, चंद्र? चंद्र की बहन के साथ, जिसे मैं बच्ची कहकर पुकारता हूँ? बच्ची कहकर क्यों पुकारेगा, उसका नाम अनुपमा है। सुरेश थोड़ा हंसकर बोला, हाँ अनुपमा ही। अरे दुर्वय, दुर्वय तो बड़ी तो कुत्सित है। कुत्सित कैसे हो जाएगी, वह तो देखने में अच्छी है। अरे भले ही अच्छी हो, एक ही जगह ससुराल और पिता का घर होना मुझे अच्छा नहीं लगता। कि उसमें दोष क्या है? दोष की बात का कोई मतलब नहीं। तुम इस समय जाओ तो मैं थोड़ा पढ़ लूं, इस समय कुछ भी नहीं होगा। सुरेश की माता लौटकर आकर बोली, सुरो तो एक गांव में किसी भी प्रकार विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? सो तो मैं नहीं जानती। अनु की माता मजुमदार की गृहिणी का हाथ पकड़कर कातर भाव से बोली, यह नहीं होगा बहन, यह विवाह तुम्हें करना ही पड़ेगा। लड़का तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं बताओ? ना होने पर भी मैं किसी तरह तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो आज ठहरो, कल फिर एक बार समझा कर देखूंगी, सहमति, शायद उसको सहमत कर सकूं मैं। अनु की माता घर लौटकर जगबंधु से बोली, उनको सुरेश के साथ हमारी अनुपमा का विवाह जिस तरह हो सके करना ही होगा। पर क्यों बताओ तो? रामगांव में तो इस एक तरह से सब निश्चिंत हो चुका है, क्या उससे संबंध तोड़ दें? कारण है। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, परंतु सुरेश जैसा रूप गुण संपन्न लड़का हमें कहाँ मिल सकता है? फिर मेरी एक लड़की है, उसे दूर नहीं भ्याऊंगी। सुरेश के साथ ब्याह होने पर जब चाहूंगी तब उसे देख सकूंगी। अच्छा, प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं, निश्चित रूप से करना होगा। पति नत का हिलना डुलना सुन देखकर हंस पड़े, बोले, ठीक है यही होगा। संध्या के समय पति मजुमदार के घर से लौटकर आकर गृहिणी से बोले, वहां विवाह नहीं होगा, मैं क्या करूं बताओ? उनके तैयार ना होने पर मैं जबरदस्ती तो उन लोगों के घर में लड़की को नहीं फेंकाऊंगा। करेंगे क्यों नहीं, वे एक गांव में विवाह करने का विचार नहीं करते। गृहिणी अपने मस्तिष्क पर हाथ मारती हुई बोली, मेरे ही भाग्य का दोष है। दूसरे दिन फिर वह सुरेश की माँ के पास जाकर बोली, दीदी विवाह करवा लो, मेरी भी इच्छा है, परंतु लड़का तैयार नहीं होता। मैं छिपाकर सुरेश को और भी 5,000 रुपए दूंगी। रुपयों का लोभ बड़ा प्रबल होता है। सुरेश की माँ ने यह बात सुरेश के पिता को जताई। पति ने सुरेश को बुलाकर कहा, सुरेश तुम्हें यह विवाह करना ही होगा। क्यों? फिर क्यों? इस विवाह में तुम्हारी माँ का मत है और मेरा भी मत है, साथ ही साथ एक कारण भी हो गया है। सुरेश सिर नीचा किए हुए बोला, यह पढ़ने लिखने का समय है, परीक्षा की हानि होगी। उसे मैं नहीं जानता बेटा, पढ़ाई लिखाई की हानि करने के लिए तुमसे नहीं कह रहा, परीक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह करो, जो आज्ञा। अनुपमा की माता की आनंद की सीमा न रही, फौरन यह बात उन्होंने पति से कही। मन के आनंद के कारण दास दासी सभी को यह बात बताई। बड़ी बहू ने अनुपमा को बुलाकर कहा, यह लो, तुम्हारे मन चाहे वर को पकड़ लिया है। अनुपमा लज्जा पूर्वक थोड़ा हंसती हुई बोली, यह तो मैं जानती थी। किस तरह जाना, चिट्ठी पत्री चलती थी क्या? प्रेम अंतर्यामी है, हमारी चिट्ठी पत्री हृदय में चला करती है। धन्य हो तुम जैसी लड़की। अनुपमा के चले जाने पर बड़ी बहू ने धीरे धीरे मानो अपने आप से कहा, देख सुनकर शरीर जलने लगता है, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और यह आज मुझे प्रेम सिखाने आई है। तो यह कहानी थी शरद चंद्र जी द्वारा रचित अनुपमा का प्रेम।